Insta Policy is an insurance broking firm regulated by IRDA, and today we are launching our website and mobile application together. So thanks to Bhumika for coming and joining this event. So Insta Policy established on 2016 actually. So we have just 6 months back, we have just acquired this company, and now we are operational in the country, and we are having almost eight branches across India, and over 100 we are having the strength of 100 people. So Insta Policy means it's a combination of offline and online business, both. We are having the branches for offline sales, and we are having applications, websites for online sales. So we will in next 4 or 5 months we are going to expand our operations around 7 to 8 cities, more cities in the country. And again, I would like to say that we next after 6 to 7 months we are just going to open 5 more sub locations that will be there in the MP, Chhattisgarh, and all the locations where the reach is not possible. Because the reach is there, then insurance is there. Because today the need of insurance is that किसी भी लोकेशन में छोटी छोटी जगहों पे यहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते. एक एक किसी भी सर्विस देना, किसी भी एक क्लाइंट के लिए सर्विसिंग और अवेयरनेस का कमी है. आज के डेट में इंश्योरेंस बहुत सारे लोग जानते नहीं. आज भी लोग मोटर इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं कि भाई हमारा लाइफ इंश्योरेंस कर दो गाड़ी को. तो अवेयरनेस की कमी है. और पेनिट्रेशन जो है आज के टाइम में 4% पेनिट्रेशन है पूरी इंडस्ट्री का, कि केवल 4% लोग हैं जो कवर्ड है इंश्योरेंस. तो हमारा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगा कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके छोटे शहरों में, गांवों में, कस्बों में, ऐसे लोकेशंस में पहुंच पाएँ जहां से सारे लोगों को हम इस इंश्योरेंस से जोड़ पाएँ, जहां से उनका परिवार, उनका घर, उनके खेत, उनके फैक्ट्री और सब चीज़ें हम लोग कवर कर पाएँ. क्योंकि जब ज़रूरत होती है इंश्योरेंस तभी काम आता है. बाद में सिर्फ इसलिए फुल लाइफ टाइम बढ़ता रहता है क्योंकि वो जीने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते.
जब जरूरत उस समय इंश्योरेंस की है तो वहाँ पे अगर आप कवर्ड है कि आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आप एक फैमिली अगर पूरा कवर कराएं अगर उम्र 35 से 40 साल के बीच में तो द कॉस्ट विल बी अराउंड 8,000 to 10,000 एंड द कवर विल बी अराउंड 10 लाख रुपये. तो वो 10 लाख रुपये तो 10,000 में अगर आप चाय भी पीते होंगे तो शायद चाय को काउंट करेंगे पूरे महीने में तो शायद ज़्यादा आप चाय पी जाते हैं. तो 10,000 रुपये में अगर 10 लाख रुपये का कॉस्ट कवर करके आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है हर एक आदमी चाय ना पिए हमें एक टाइम पर खाना ना खाए बट उसके बाद में इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप आपके लिए नहीं है इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसकी ज़रूर है बट जब आप नहीं है उसके पीछे कौन, उसके पीछे आपको इंश्योरेंस है. आप नहीं है तो आपके लाइफ के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने वापस से अपनी फैमिली को वापस से खड़े होने के लिए इंश्योरेंस मैटर करता है. वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सबके पास मैंडेटरी हो सकता है. मैं एक्चुअली घर में मेरी फैमिली है, घर में लोग बच्चे देखते हैं तो मुझे लगा कि पेस ऐसा होना चाहिए कि लोग अगर वो आती हैं इसको प्रमोट करती हैं तो जो लोग इनको पसंद करते हैं वो शायद इंस्टा पॉलिसी की वेबसाइट पर एक बार चेक करके हो सकता है पॉलिसी लेने का प्रयास करें. Yeah, after such a heavy schedule, how much you enjoy like to be part of such a corporate event? I think I enjoy it. I'm always in energy and I think you know it. Yeah. I said also. So after taking 30-40 hours shift, I think I'm ready to person that I come on set and have a good time. But I also enjoy it because this is something which gives me a lot of apart from this, like Big Boss 13 is on buzz, so Bhumika, are you following it? I'm not following it. Last time also you guys asked this. I'm not following it, but definitely I've heard a few people are really big men. But if you got an opportunity to do any reality show, so will you? Well, unfortunately, I couldn't be a part of Big Boss this year because they approached me for it. But then my show is on air and it's something which I really was, doubtful about. But Big Boss is a very good platform and I'm definitely if I'm not doing my Big Boss with it. Okay, being a Bhimki Vidhayak, anything you want to message to all your fans like regarding insurance or anything? Yes, definitely, because Bhimki is it's not just a television character. She's not just a farmer. She is a symbol of strength, courage for all the people who are outside, the city or somewhere where we haven't reached, where people don't know what is good in farming. So I think the only thing I would like to tell everyone जगत
के लिए इंश्योरेंस सबसे बड़ी ताकत होती है, और इंश्योरेंस ही एक ऐसा सेक्टर है जो व्यापारियों को और आम नागरिकों को एक बहुत मजबूती देता है, उनकी ज़रूरत के समय में काम आता है। जब व्यक्ति परेशानी में होता है उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी का काम आती है, और इंश्योरेंस के द्वारा ही जो लोग ये तरीके से समाज सेवा भी है और अपना बिजनेस भी है, व्यापार भी है। हम लोग व्यापारी समाज की तरफ से, बिजनेस सभी बिजनेसमैनों की तरफ से, पूरे देश के व्यापारियों की तरफ से नितिन पांडे और इंस्टा पॉलिसी की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यापारी के लिए ये लोग काम करें और हम सब व्यापारी लोग मिलकर इनका साथ दें। दीपक जी ने कहा कि इंश्योरेंस मतलब बीमा है वो ना केवल किसी एक व्यक्ति के लिए है, बल्कि ये किसी भी ऐसी चीज़ की जो आंखों से दिखाई देती है या आंखों से नहीं दिखाई देती, वो दोनों चीज़ों को ये सुरक्षा प्रदान करती है। आप कह सकते हैं कि चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो आपका खुद का घर हो, चाहे आपके घर में रखी हुई बहुत सारी कीमती चीज़ें हों, कुछ भी हो, हर एक चीज़ों का डर रहता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भर बहुत मेहनत से बहुत इकट्ठी करके रखते हैं, और अचानक से वो चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं, चुरा ली जाती हैं, तो वो बहुत तकलीफ देती है। इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए ये इंश्योरेंस है। तो चाहे वो व्यापार हो, धन्यवाद दीपक जी का वो आज हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में पधारे, बाकी उनके सहयोग से जितना भी हम लोग, क्योंकि ये एक तरह से समाज सेवा भी है, अगर आप किसी को इंश्योरेंस जबरदस्ती भी देते हैं उसके बाद में तब तक तो उसको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा हमको जबरदस्ती दे दिया है, या कुछ होता है जो लोग सेलिंग करके सेल कर देते हैं, क्योंकि जब उस समय जब एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है कि हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है और घर में इलाज कराने के पैसे नहीं होते, तो उस वक्त वो इंश्योरेंस की असलियत एक्चुअली वैल्यू तब पता चलती है। तो चाहे वो व्यापार हो, फैक्ट्री हो, आग हो, बाढ़ हो, खेतों में चाहे वो कुछ भी हो, इन सब चीज़ों से सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए ये इंश्योरेंस। हाँ, वो इवेंट्स का है, जैसे तो आजकल तो ये भी होता है कि प्रोडक्शंस भी बहुत सारे अपने यहाँ पे इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस, क्योंकि सफलता की गारंटी किसी को नहीं पता है। मुझे एक पिक्चर पसंद आती है और किसी को वो पिक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो अगर किसी वजह से लॉस होता है, चाहे वो सेट में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, या कोई कर्फ्यू हो जाए, या किसी भी वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, उसके लिए भी इंश्योरेंस कवर है। तो आज के डेट में क्या, मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ आपसे दिखती है या जो चीज़ आपसे नहीं दिखती, उन दोनों चीज़ों की सुरक्षा के लिए ही बीमा है। तो चाहे वो फिल्म हो, और वो भी किसी भी तरीके का हो, ऐसा नहीं कि केवल निर्माण से संबंधित, मतलब रिलीज भी नहीं हो पाई, या एक्सीडेंटली कुछ हो गया मूवी के सेट्स में, अगर कोई स्टार की कुछ भी दुर्घटना हो, या उनके यहाँ पे काम करने वाला जो क्रू होता है उनके बारे में अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, तो उनके सारा दायित्व जो होता है वो वहाँ के प्रोड्यूसर का या उस कंपनी के जो संचालन कर रहा होता है उनका होता है। तो उनसे बचने के लिए भी ये सब, हर एक प्रोड्यूसर या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक, आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण ही नहीं, मतलब ज़रूरी। Very cool. The whole of the house should also be in equal partnership.
मेरे को सूट करने का इंग्लिश आ रहा है ना।
whatever the competition is, whatever so there has to be something, because every time some agent calls or some online policy calls, लेना पकड़ना कैमरा क्या कर रहा है फिर क्या घंटा मोबाइल में कर ले 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 मोबाइल ले मनोज ले कैमरा तो मोबाइल में क्या लगे कोई चेंज अरे तुरंत में भेजना अच्छे से कर रहा है इसे डिजाइन के बोल जा रहे हैं डिमांड में कौन देखता है इसको कौन फिगर कौन देखता है ले मोबाइल से व्हाट समवन टू मुझे कौन सा प्रॉब्लम वन स्टॉप शॉप सर ट्रांसफर ले विल आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट चलो भाई थैंक यू इंश्योरेंस इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार प्रॉपर मेडिकल क्लेम आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी नीड टू हैव वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी वी आर हियर टू आपको एक्सप्लेन हमारी स्वास्थ्य हॉस्पिटल एक्सपेंस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव राइट In fact, tell all my friends to be safe and secure and not to lose themselves. Also, the family members should be adequately insured. And medical insurance is actually a life insurance. Don't know about it. I think most of the actors are dying to actually the youngsters may not be introduced to it. They're just coming in and sitting out there. Getting the body of these practices, they may not be as real, but I think it can be